हाय एवरीवन, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक लेवल अप है, मतलब लेटेस्ट है। IMS इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो हम पहले चला रहे थे उससे ये बेटर है। इसमें एक टाइम पे मल्टीपल पर्सन वर्क कर सकते हैं और मल्टीपल एंट्रीज पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वॉइस में अगर आपके 10 प्रोडक्ट आए हैं एक इन्वॉइस नंबर 1 के रेफरेंस पे, तो आपको गूगल फॉर्म में क्या करना पड़ता था कि 10 बार एंट्री पास करनी पड़ती थी, बट इस फॉर्म के थ्रू आप 10 एंट्रीज एक बार में ही पास कर पाएंगे। तो सिस्टम वर्क कैसे करेगा, मेरे पास मेरा लॉगिन पासवर्ड है, राइट। मैंने लॉगिन किया, तब देखेंगे लॉगिन कंफर्म होने के बाद यहाँ पे मुझे राइट साइड में ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे लॉगिन क्लियर होते ही मेरे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें दिखा रहा है कि तीन सिस्टम्स हैं जो मेरे इस पे लिंक्ड हैं। पहला इनवर्ड है, दूसरा आउटवर्ड है और लास्ट रिपोर्ट है। तो सपोज मुझे अगर इनवर्ड करनी है और मैं यहाँ पे इनवर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे इन्वाइट पर क्लिक करनी है, तो एक इंटरफेस एक्टिव हो जाएगा। उस इंटरफेस में जो डिटेल्स आपसे पूछी हैं वो डिटेल्स आप फिल करेंगे। तो जैसे कि मैं आपके सामने कुछ डिटेल फिल कर रहा हूँ, किस इन्वॉइस के रेफरेंस पे आपने मटेरियल रिसीव किया, ये डमी डेटा है। सप्लायर का नाम, मैं, राइट। और यहाँ जो लोकेशन है वो ले लिया मैंने। नंबर ऑफ आइटम्स आप यहाँ डाल सकते हैं। आप सपोज नंबर ऑफ आइटम्स, यानी 5 नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो आपने रिसीव किए हैं, आप क्लिक करेंगे तो 5 हेडर्स एक्टिव हो जाएंगे और उनके अगेंस्ट ही आप एंट्री कर सकते हैं। सपोज अगर आपको लगता है कि नहीं 10 आइटम्स है, तो 10 यहाँ पे एंट्री पास करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो 10 एंट्रीज ओपन हो जाएंगे, तो आप 10 आइटम एक बार में पुट कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैं वापस चलता हूँ, मैं 3 करता हूँ यहाँ पे और नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सेलेक्ट किया सीमेंट, तो मेरे पास इस टाइम देवघर की साइट पर कितना सीमेंट अवेलेबल है नंबर ऑफ बैग्स में, यहाँ क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। तो आप देख पाएंगे कि नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट से कितने अवेलेबल है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा रिसीविंग क्वांटिटी मेरी कितनी है। सपोज इतने मैंने बैग्स और रिसीव किए, नेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास इन हैंड स्टॉक दिखा देगा आफ्टर रिसीविंग। सिमिलरली मैंने TMT 10 mm में सर्च किया, मैं इसका इनवर्ड ले रहा हूँ, तो मेरे को दिखा देगा सिस्टम कि TMT का आपके पास 272 MT मेट्रिक टन का स्टॉक आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और आपने कह दिया ठीक है मैंने 20 MT रिसीव किया है, तो आपका स्टॉक यहाँ पे हाई हो जाएगा। वैसे ही सेम एग्रीगेट आपका 20 MT में, तो यहाँ बता देगा कि वो कितना अवेलेबल है, तो वो आपके पास 81 820, यानी अराउंड 81 मेट्रिक टन अवेलेबल है। और इसमें आप कहते हैं कि ठीक है मैंने 20 MT और एक्टिव कर दिया यहाँ पे, तो 20 MT ऐड करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपका इतना स्टॉक, राइट। कोई रिमार्किंग है तो आप रिमार्किंग मेंशन कर सकते हैं, व्हीकल अनलोडेड एट, राइट। और टाइमिंग में डाल सकते हैं आप, 2 PM आपने व्हीकल को रिलीज कर दिया था, ये एंट्री शरेंद्र ने की है। और आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये डेटा स्टोर हो जाएगा गूगल शीट में और फॉर्मेट्स ये ब्लैंक हो जाएगा नेक्स्ट एंट्री के लिए। अगर आपको कोई अदर एंट्रीज करनी है तो वो अदर एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखेंगे डेटा स्टोर हो गया, अब ये ब्लैंक होने के बाद डेटा कहाँ जाता है, तो ये रिस्पॉन्स शीट हमने बना रखी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी एंट्रीज हमने की थी वो एंट्रीज हमारे यहाँ पे स्टोर हो गई आके, राइट। आप देखेंगे इसमें जो हमारा टाइम स्टैम्प आया वो टाइम स्टैम्प सेम है, क्योंकि 3 एंट्रीज हुई हमारी पूरा एक ही टाइम पे हुई है। यहाँ पे इन्वॉइस डेट जो हमने लिया था वो आ गया, कंसर्न पर्सन क्या है, इन्वॉइस नंबर क्या है, किस पार्टी से आया है, प्रोडक्ट के कोड क्या है, आइटम ग्रुप आइटम का नाम क्या है, क्या क्वांटिटी है, करंट स्टॉक उस टाइम कितना था जब आपने रिसीव किया, तो रिसीव करने के बाद आपके पास कितना स्टॉक हो गया, राइट। क्या साइट है, और जो भी रिमार्क आपने फिल किए थे वो रिमार्क यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। तो सिमिलरली हम एक एंट्री और पास करेंगे, वो एंट्री रहेगी हमारी आउटवर्ड की। तो मैं फिर से बैक में जाऊंगा, सॉरी आज थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। ओके, तो आप देखिए जैसे मैंने बैक किया तो पहले हमने इनवर्ड की एंट्री पास की थी, अभी हम आउटवर्ड की एंट्री पास करेंगे। तो आप आउटवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका आउटवर्ड का इंटरफेस खुल जाएगा, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट सेम। और आप जब आउटवर्ड का डेटा डालेंगे तो सेम आउटवर्ड का डेटा भी आपका आउटवर्ड वाली शीट पे स्टोर हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हमने देखा कि साइट इनवर्ड की शीट है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टोर हो गया, वो साउट आउटवर्ड की शीट है तो वहां पर डेटा स्टोर हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली कॉन्सेप्ट दोनों सेम वर्क करेंगे। टाइम को बचाने के लिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब ये एंट्रीज हो जाएंगी तो आप रिपोर्ट कैसे देखेंगे। तो मैं बैक करूंगा, तो बैक में आप देखेंगे जो तीसरा ऑप्शन था हमारे पास,
तीसरा ऑप्शन था सबसे नीचे में जिसमें लिखा होता है आईएमएस रिपोर्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री रिपोर्ट ओपन हो जाएगी डायरेक्टली। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इन्वेंट्री रिपोर्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि कितना स्टॉक आपके पास अभी अवेलेबल है। सारी एंट्रीज जो भी आपने की है इनवर्ड की आउटवर्ड की, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी आपकी और आपका दिखा देगा कि इन हैंड स्टॉक की अवेलेबिलिटी क्या है। राइट, तो ये है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस जो एडवांस्ड है। इसमें आप मल्टीपल लोकेशंस में सेम टाइम पे एंट्री पास कर सकते हैं और आईएमएस आपका अपडेटेड रहेगा। सेकेंडली, आपके जो लॉग्स हैं कि कौन पर्सन कितने बजे लॉग इन हुआ लॉग आउट हुआ, वो सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पे ऐड होती रहती हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि किस पर्सन ने कितने बजे आपके यहाँ पे इसमें एंट्री पास की है। तो नॉर्मली आप हर एक बंदे का अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो जिसके पास जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉग्स भी ऐड हो जाएंगे और लॉग्स के अकॉर्डिंग ही आपका डेटा बैकएंड में स्टोर होगा। तो बस सिंपलर वे में है, एक सिंगल साइट है, साइट से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको और अपना सारा डेटा एक्टिव कर सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।